दिवस के ऊपर महिला को साइबर क्राइम के मामले में एएसपी ने सिखाया गुर। साथ ही महिला सुरक्षा हेतु आने वाले समय में अनेक योजनाएं बनाकर क्राइम को कम करने की बात भी बताई। बिलासपुर जिले के एएसपी मेघा टेंबुरकर ने साइबर क्राइम के मामले पर आज हमारे संवाददाता से बात कर ऐसे मामले पर विशेष टीम गठन कर साइबर को कम करने की बात की। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता से साइबर क्राइम पर क्या बात हुई। मैडम आपका शुभ नाम? मेरा नाम मेघा टेंबुरकर है, मैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला विरुद्ध ग्राम अपराध विवेचन इकाई बिलासपुर में पदस्थ जी। मैडम जो आज साइबर एक्सपर्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे, जैसे आज मोबाइल के जरिए से जो क्राइम होते हैं तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वर्तमान समय में साइबर क्राइम के अपराध बहुत अधिक बढ़े हैं और ख़ासतौर पे जो लड़कियां हैं मेरे पास आती हैं शिकायत की है, तो उनकी यही शिकायत रहती है कि उनका अश्लील वीडियो बना लिया गया है, उनको झांसे में लेके उनको टॉर्चर किया जा रहा है, ब्लैकमेल कर रहे हैं लड़की। तो हमारी रक्षा टीम है जिसको मैं देखती हूँ और हम लोग उन लड़कियों को बुलवाते हैं और उनकी पहचान को गोपनीय रखा जाता है और जो भी उनकी समस्या है उनका निदान किया जाता है। अगर किसी लड़की के पास उनकी फ़ोटो है या वीडियो है तो हम उसको डिलीट करवाते हैं और साथ ही उस लड़के के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है। सर मैडम महिला दिवस के अवसर पर आपने कुछ योजनाएँ बनाई हैं महिलाओं के लिए की सुरक्षा के लिए या किसी समिति या समाज का गठन किया है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? सर्वप्रथम मैं महिला दिवस की सभी महिलाओं को बधाई देना चाहती हूँ और सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। और महिला दिवस के ऊपर हम उपलक्ष्य में हमारा ये प्लान है कि हम लोग अधिक से अधिक महिलाओं के बीच जाएँ और अपने रक्षा टीम के बारे में प्रचार प्रसार करें, क्योंकि कई लड़कियाँ हैं जो खुल के सामने नहीं आ पाती और प्रताड़ना की शिकार होती रहती हैं। तो हमारा टोल फ्री नंबर है 1091 है, इसका हम लड़कियों को बताते हैं कि वो अपनी शिकायत कर सकती है फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक ट्विटर के थ्रू अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और उनकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा और हमारी रक्षा टीम मौके पर पहुंचकर पीड़ित महिला को न्याय दिलाती है।